हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड्स को अपना कैसे बंद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है गूगल का, गूगल पर आपको टैप करना है। ठीक है, अब आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको ये मैनेज योर गूगल अकाउंट का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका एक पेज आता है ये वाला। इसमें देखिए ये नीचे लाइन होती है बीच में, इस लाइन को आप ना उंगली से दबा के आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस लाइन में आपको ये ऑप्शन मिलता है डेटा एंड प्राइवेसी का, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये पेज आएगा ना, इस पेज में आपको नीचे आना है। नीचे की साइड आपको ये लिखा हुआ मिलता है पर्सनलाइज एड्स, इसके ठीक नीचे आपको ये माई एड सेंटर, माई एड सेंटर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पेज आता है आपका। ठीक है ना, अब देखिए इस वाले पेज में आपका सबसे ऊपर ये पर्सनलाइज एड के सामने ऑन लिखा हुआ है ना, तो ये सेटिंग हमारी ऑन रहती है जिसके कारण हमारे फोन में एड आती रहती है। ठीक है, तो अब आपको जो है ना ये ऑन का बटन आपको टैप करना है। तो आपका एक ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे टर्न ऑफ पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक और पेज आएगा ये वाला, इस पेज में आपको नीचे गॉट इट का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पर्सनलाइज एड्स के सामने ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये सेटिंग ऑफ कर देंगे तो आपके फोन में एड आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड को बंद कर सकते हैं। ठीक है,